सहारा का मारा मन करता है मर जाऊं। मिस्त्री का काम कर सहारा इंडिया में लगाए 12 लाख रुपए, अब दाने दाने को मोहताज। इसे न्यूज 18 हिंदी ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से पैसा लिया और सहारा इंडिया में लगाया। सोचा था कि पैसा मिलेगा तो उधार खत्म कर दूंगा, लेकिन अब कर्ज का बोझ भी मुझ पर आ गया है। मेरे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं। ये कहना है कि गुमला के एक शख्स का, जिसने 12 लाख सहारा इंडिया में लगाए थे और अब अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया में पैसा डूबने से गुमला का बिजली मिस्त्री डिप्रेशन का शिकार। गुमला, सहारा इंडिया परिवार ने कई लोगों को बेसहारा, बेघर, लाचार कर दिया है। सहारा इंडिया में पैसा डूबने के कारण कई लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कई लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। गुमला जिला मुख्यालय में रहने वाले एक शख्स का भी यही हाल है। इस व्यक्ति का लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया परिवार में बाकी है, जिससे उस व्यक्ति के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है पूरा मामला? सचिदानंद पांडे बताते हैं, सहारा इंडिया परिवार में 2013 से पैसा जमा करते आ रहा था। पेशे से मैं बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ। कोई बुलाता है तो काम करता हूँ, काम भी नियमित रूप से नहीं मिलता है। पेट काट करके एक एक पैसा जमा किया था ताकि मेरे बेटे को पढ़ने में दिक्कत ना आए। अब मेरा बेटा भी 12वीं पास कर गया है, लेकिन सहारा में पैसा डूब जाने के कारण मैं उसे आगे पढ़ाने में असमर्थ हूँ। सहारा से पैसा नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। मन करता है मर जाऊं, क्योंकि किसी तरह से बिजली मिस्त्री का काम करके दो दो पैसा जोड़कर जमा किए थे ताकि बेटे को आगे पढ़ने में दिक्कत न हो, और अब बेटा पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। नम आंखों से पांडे बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से सहारा इंडिया के भरोसे पैसा लिया था, ये सोचकर कि सहारा इंडिया से पैसा मिलेगा तो वापस कर दूंगा। पैसा नहीं मिलने के कारण कर्ज का भी बोझ मेरे ऊपर आ गया है। 50 हजार करके 6 किस्त जमा किया था और 4 लाख करके 2 बार जमा किया था। टोटल लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया में जमा किया था ताकि बच्चे को पढ़ा सकूं और घर परिवार चला सकूं। अब मेरे पास खाने के लिए 12 रुपए भी नहीं है। इसके कारण मैं बीपी शुगर का भी मरीज बन गया हूं। मेरी अब इतनी स्थिति खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पैसा मांगूं। 20 बार सहारा ऑफिस के चक्कर काट लिए। पांडे ने सहारा को कोसते हुए कहा कि सहारा इंडिया के ऑफिस जाता हूं तो वहां बोला जाता है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो पैसा मिलेगा। सरकार द्वारा भी घोषणा की गई है कि पैसा मिलेगा, एक बार में तो नहीं 10 हजार करके पैसा मिलेगा। ऑनलाइन भी कराया हूं लेकिन आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं सहारा ऑफिस का पैसा लेने के लिए लगभग 20 बार चक्कर काट चुका हूं, लेकिन वहां से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि सहारा का पैसा मिलेगा भी कि नहीं। डिप्रेशन की दवा भी खा रहे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है, किसी तरह से मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए वरना इससे तंग आकर मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। मानसिक चिकित्सा केंद्र में दिखाकर डिप्रेशन की दवा भी खा रहा हूँ। सहारा में पैसा डूबने के कारण ये सब स्थिति हो रही है।